हैप्पी बर्थडे अवर लिटिल चैम्प। एक साल कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। आज भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन तेरे होने का एहसास हुआ। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, तेरी बहनें बहुत ज़्यादा खुश थी। और काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम होने के बाद 20 सितंबर 2022 को एक प्यारा सा बच्चा हमारी गोद में आ गया। तो घर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन तुम्हारे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होने के कारण तुम घर नहीं आ पाए। तो हम हॉस्पिटल में ही तुमसे टाइम टू टाइम मिलने जाते थे। तुम्हारी बहनें भी हॉस्पिटल जाने की ज़िद करती थी, तो इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में सब अलाउड नहीं थे जाना, और बेबी को टच नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हारी प्यारी बहन पीहू को बाहर से ही तुम्हें दिखाया गया। तो वो तुम्हें देख के इतनी खुश थी कि बस पूछो मत। और घर पे तो तुम्हारे आने की तैयारी चल ही रही थी, सभी फंक्शन हो रहे थे, सब खुशियाँ मना रहे थे। लगभग 20 दिन के बाद जब तुम 20 दिन की हो गए, तो डॉक्टर्स ने कहा अब तुम ठीक हो और तुम्हें घर ले जाया जाएगा। तो तुम्हारे घर आने की तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई। घर में सब रेडी थे तुम्हारे वेलकम के लिए।
सभी आ चुके हैं, सभी कुआ पूजा सेलिब्रेशन का मजा ले रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। तो चलो भाई थोड़ा सा डांस हम भी कर लेते हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती हो जाए। चलिए अच्छा जी, बाय 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 बाय, हैप्पी दिवाली। देखते ही देखते आज आप पूरे एक साल के हो गए हो, तो पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।